आतंक आज हमारे देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। राजनीति में इस तरह के मुद्दों को एकत्रित करके सत्ता तक आने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ पार्टी, कुछ संगठनों की मानसिकता और आइडियोलॉजी हो सकती है अध्यक्ष जी, लेकिन भारतवासियों की यह मानसिकता कभी न थी, न है, न ये मानसिकता कभी पनपने वाली है और न भारतवासी इसको पनपने देंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, बड़ी दुख के साथ हमें यह कहना पड़ता है, हमारे देश में कई संस्थाएं हैं जिनको स्वतंत्रता प्राप्त है और रहनी भी चाहिए, उनके स्वतंत्रता में और उनकी खुद मुख्तारी में हमारी तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष जी, लेकिन जो काम न्यायालय का है वो काम न्यायालय करेगा, जो काम सदन का है वो काम सदन करेगा, जो काम मीडिया का है वो काम मीडिया करेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा दो चार उन हादसों की तरफ और आपके माध्यम से सरकार तक और सदन के माध्यम से देश तक इस सच्चाई को पहुंचाने के लिए मैं आपके खास तवज्जो का तालिब हूं और जरूरतमंद हूं। अध्यक्ष जी, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते पकड़े गए आतंकवादी, पकड़ लिए गए आतंकवादी, हो गए हमले, लेकिन मैं नहीं कहता कि उनकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का ब्रेक लगे, लेकिन जो काम न्यायालय का है वो काम चैनल वालों को करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और इसके लिए भी कानून बनना चाहिए और इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए कि जिसकी जो हद है उसी हद में रहे, जो कानून से ऊपर उठने की कोशिश करेगा कानून अपना काम करेगा। अध्यक्ष जी, अब तक जितने पकड़े गए हैं 80% लोग, मैं नहीं कहता कि आप उनको छोड़ दें, आप उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए, अध्यक्ष जी आप उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं नहीं, आप इस बात को महसूस करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सभी सम्माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं, पकड़े जाए, जरूर पकड़े जाए और देश की एकता और देश की सुरक्षा के साथ बलियावी हो या कोई हो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में मेरा पूरा देश एकजुट है, बिल्कुल चट्टानी दीवार की तरह है। देश के गद्दारों को इस देश में न पनपने की कोई जगह हो सकती है, न रहने की कोई जगह हो सकती है, न उनको खिलाने की भी जगह हो सकती है। मैं बड़ी निरमता के साथ और बड़ी ही अपील भरे लहजे में मैं कहना चाहूंगा, कानून रोज बनते हैं, बनने चाहिए, लेकिन उनके लिए भी तो विचार होना चाहिए कि जिन पर कोई जुर्म सिद्ध नहीं हो पा रहा, 20 साल, 25 साल, 15 साल तक जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो पा रहा है, वो पाकिस्तान जिसको खाने की सब्जी ना हो, वो हमारे उस भारत को आंख नहीं दिखा सकता। अगर कहीं ना कहीं हमारे यहां लूप फॉल्ट न होता तो उनकी इतनी औकात नहीं थी जो भारत की सरहदों पर आ सकते थे। अध्यक्ष जी, लेकिन यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस तरह से पकड़े जाने के समय प्रचार किया गया, क्या उसी तरह से छोड़ते समय क्या यह प्रचार करने की कोशिश की गई कि जिनको पकड़ा गया था वो गलत था, वो निर्दोष था, वो बेकसूर था, और जिन एजेंसियों के जरिए पकड़ा गया है, मैं नहीं कहता कि उन एजेंसियों को पाबंद किया जाए, लेकिन ऐसे एजेंसियों को पर जरूर एक हाई लेवल कमेटी के माध्यम से निगरानी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, कि दोषियों की लाइफ को क्रॉस नहीं किया जाए, किसी गरीब और पर ही विचार किसी अमन पसंद हिंदुस्तानी को के माथे पर कलंक का निशान नहीं लगाया जाए, इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए और देश के सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तब जब बात हुई थी अफजल गुरु के, तो उस अफजल गुरु का जो चीफ स्पोक्समैन था उसका उत्तर दिया, उस स्टेटमेंट में पूरा नाम है कि वो स्पोक्समैन ने गलत कहा। अलबत्ता हम भी ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे
उसके परिवार को उसको मिलने देना चाहिए था और उसकी लाश भेजनी चाहिए थी उस पे। जस्ट उस पे।